नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। तो काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी से पौधे परेशान हो चुके हैं, तो विंटर में इंतज़ार रहता है कि कब अच्छी धूप निकले ताकि हमारे पौधे में अच्छे से फ्लावर्स खिले। पर समर में देख सकते हो, इतना ज़्यादा गर्मी और धूप के वजह से पौधे की कंडीशन दिन पर दिन ख़राब होते जा रही है। तो आज की वीडियो में शेयर करूँ कि इतनी तेज़ धूप गर्मी से पौधे को कैसे बचाएं। तो ग्रीन नेट नहीं है तो ग्रीन नेट आप लगवा भी सकते हैं, नहीं तो वही पौधे छत में लगाएं जो कि काफ़ी तेज़ धूप गर्मी में भी हमारे पौधे चल जाए और पौधे ख़राब नहीं हो सके। तो उसमें से देख सकते हैं कई सेलेक्टेड जो पौधे होते हैं, जिसमें कि जो मिली का पौधा होता है वो, या हिबिस्कस, कनेर, ये सब पौधे काफ़ी तेज़ धूप गर्मी में चल जाते हैं, बोगनविलिया, नागचंपा। तो इन सब पौधे के लिए कोई ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर कोशिश करें कि बड़े गमले में पौधे लगाएं। छोटे गमले में जो पौधे लगाते हैं तो उसकी मिट्टी सूखने के वजह से हमारे पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे छत में अभी पूरा खाली लगेगा क्योंकि बहुत सारे पौधे को मैंने छत से हटा दिए हैं, क्योंकि इतना धूप और गर्मी बढ़ रही है जिससे कि पौधे ख़राब भी हो जाएंगे। और हम मुझे गांव जाना है तो जिसको बोल के जाएंगे तो वो पानी दे देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गमले को छत से हटा के बालकोनी में रख दिए हैं कि कुछ हद तक पौधे गर्मी से बचे रहें। तो काफ़ी छोटे गमले में पौधे लगे रहते हैं तो उनकी मिट्टी बार बार सूखने के वजह से भी हमारे पौधे सूख जाते हैं। तो बड़े गमले में पौधे लगा के रखे हैं तो उसका भी पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी पानी डालें मॉर्निंग में, जितना जल्दी हो सके पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि सुबह 7-8 बजे के बाद ही पानी गर्म होने लगता है। तो गर्म पानी पौधे में देते हैं तो उससे भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो नागचंपा का ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो नागचंपा बहुत ही हार्डी पौधा है, इस समय इसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है और इसका कटिंग अभी लगाने का सही समय है। इसका कटिंग अभी लगाएंगे तो ये इसकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी और कटिंग ख़राब भी नहीं होगी। तो कुछ दिन में देख रहे हैं इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। तो ये बहुत तेज़ धूप गर्मी में बहुत अच्छे से चल जाता है और इसमें 1-2 दिन पानी नहीं भी देंगे इतनी गर्मी में तो भी ये पौधा ख़राब नहीं होगा। पर दूसरे पौधे को केयर करना बहुत ज़रूरी है, खास करके जो छोटे गमले में पौधे लगाए हैं तो उसका पानी का ध्यान रखें। या तो मल्चिंग भी कर सकते हैं, मल्चिंग करने से भी हमारे पौधे कुछ हद तक गर्मी से बचे रहेंगे। नहीं तो जो पौधे हैं सबको इकट्ठे रखें, कोशिश करें सब पौधे को इकट्ठे रखने की, दूर दूर रखने के बजाय। तो गुलाब का कंडीशन देख सकते हैं, इसके पत्ते पूरे गर्मी की वजह से देख रहे हैं कितने ख़राब हो चुके हैं, जबकि इसको बड़े पौधे के पीछे दीवार के साइड में रखे हैं तो भी पौधे की कंडीशन उतना खास नहीं है। तो देख सकते हैं इसको गर्मी की वजह से इतने सारे पत्ते जल गए हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इस समय गर्मी से बचाने के लिए आप जो पौधे हैं तो उसमें टर्टल वैन या 9 o'clock का पौधे लगा सकते हैं, जिसकी कि जड़ें नीचे तक नहीं जाती है। किचन गार्डन में भी हम मल्चिंग ज़रूर करें। तो बैंगन के पौधे को देख रहे हैं कितने इसके पत्ते भी पीले हो गए हैं और पूरे ख़राब होते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मल्चिंग करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सूखे पत्ते का इस्तेमाल करें, किचन से जो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस समय काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है तो इस समय आप जो किचन से प्याज के छिलके या फलों के छिलके निकलते हैं तो उसको सुखा के भी फर्टिलाइज़र बनाने का काम बहुत ही आसान रहता है। इस समय 1 से 2 दिन में सब छिलके सूख जाते हैं और उसको मिक्सी में पीस के फिर पाउडर बना के भी रख सकते हैं, जो कि पौधे में फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। और सब पौधे को मल्चिंग जरूर करके रखें और पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो देख रहे हैं इधर खीरे के बेल लगे हुए हैं। तो किचन गार्डन में भी वही पौधे लगाएं जो कि काफ़ी तेज़ धूप गर्मी में भी चल जाते हैं। तो देख रहे हैं सभी को मल्चिंग करके रखे हैं। तो मल्चिंग करने के लिए आप कोई भी चीज़ से मल्चिंग कर सकते हैं। तो जो फलों के छिलके से मल्चिंग करते हैं तो ये नीचे धीरे धीरे सड़ के फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और काफ़ी तेज़ धूप गर्मी से भी पौधे को हमारे बचा के रखता है। तो ये सब छिलके भी 1 से 2 दिन में सब सूख जाएंगे तो इसको सुखा के भी आप रख सकते हैं या पौधे को मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो जिसमें कि बनाना पील का फर्टिलाइजर बना सकते हैं, नींबू के छिलके का भी फर्टिलाइजर बनाना बहुत ही आसान है गर्मी में, तो इसको भी बना के रखें। सूखे पत्ते भी ऐसे सुखा के इकट्ठे करके रखेंगे तो बाद में सब फर्टिलाइजर का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, अपने पौधे को गर्मी से जरूर बचा के रखें और उन्हीं पौधे को छत में रखें जो कि काफ़ी तेज़ धूप गर्मी में चल जाए, नहीं तो ग्रीन नेट, नहीं तो बालकोनी में भी आप शिफ्ट करके जरूर रखें। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।